सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 40। दिए विषम बाहु चतुर्भुज ए बी सी डी के समान दूसरा विषम बाहु चतुर्भुज बनाओ। तो एक विषम बाहु चतुर्भुज दे रखा है और दूसरा आपने बनाना है। तो पहले जो दिया हुआ चतुर्भुज है विषम बाहु, हम वो बना लेते हैं। पहले यहाँ पे साइड में इस तरह से, और हम एक यहाँ पे कौन इधर को बना देंगे, और यहाँ से हम जो है वो इधर को कौन बना देंगे इस तरह से। और ये विषम बाहु है तो भुजा छोटी बड़ी हो सकती है इसकी, क्योंकि है ही विषम बाहु। इस तरह का एक कोई हम बना लेते हैं, इसके नाम हम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे हम जो है एक कोण बना लेते हैं, यहाँ पे इस कोण का हम नाम दे देते हैं एक्स। इसी के समानांतर हमने समान जो है दूसरा हमने बहुभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं ए बी, इस तरह से। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए। जितनी आपकी ये ए बी है इतनी ही हमने इसको काटना है यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल इसके समान कहा है, तो इसके समान ही हम बनाएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ से इसको काट देते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारी ये फालतू लाइन है अब हम इसको यहाँ से मिटा देंगे, और इसका हम नाम देते हैं यहाँ पे बी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एक कोण बन रहा है, ये कोण है, इतना कोण हम यहाँ पे बना देंगे, ये कोण है। तो हम ए से जो है वो ये कोण यहाँ पे हम बना देंगे, चाप लगा देंगे यहाँ से, इस तरह से। हम इसको नाप देते हैं कि कोण कितना बड़ा हमारा है। तो देखिए आप, इतना बड़ा हमारा कोण है। हम यहाँ से जो है वो चाप लगा देंगे इस तरह से, और जहाँ पे ये कट रहा है यहाँ से हम जो है वो एक रेखा लगा देंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ हल्की रेखा लगाएंगे, अब ये नाप देंगे कि यहाँ पे ये कितना है, ये दूरी कितनी हमारी, ये आपकी इतनी दूरी है। ये देखिए यहाँ हमने निशान लगा दिया। अब हम इस रेखा को यहाँ तक डार्क कर सकते हैं, यहाँ तक। बट इसका नाम हम वही देंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है डी। अब हमने क्या करना है, जितना हमारे पास बी और सी है, ये आप देख सकते हैं, इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से चाप लगा देनी है इस तरह से। और आपने क्या करना है, जितना आपके पास सी और डी है इतनी प्रकार आप खोलिए, और डी से आपने जो है जो चाप लगा रखी है आपने बी बिंदु से, इस चाप को आपने यहाँ से ऐसे काट देना है। जहाँ ये कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया सी, आपने क्या करना है बी और सी को आपस में डार्क ऐसे मिला देना है, और सी और डी को भी आपने यहाँ से डार्क मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पे ये आपका कौन है एक्स, ये आपका प्रश्न नंबर है 40, और ये जो है वो दिए हुए विषम बाहु चतुर्भुज के बराबर चतुर्भुज हमने बना दिए, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 41। दिए हुए विषम बाहु चतुर्भुज ए बी सी डी के सजातीय ए बी आधार पर विषम बाहु चतुर्भुज बनाओ। तो एक हमारे पास चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके सजातीय हमने एक दूसरा जो है वो बहुभुज बनाना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम बना लेते हैं इस तरह की कुछ, हम एक आकृति यहाँ पे बना लेते हैं, और इसके हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए
बी सी और डी इस तरह से। अब हमें दे रखा है ए बी रेखा, तो हम एक ए बी रेखा लेनी है, तो हम यहाँ पे ए बी रेखा ले लेते हैं पहले। ये हमारा ए बी रेखा है, ए थोड़ा हम यहाँ पे इसको, ये पॉइंट हमारा है बी, ये पॉइंट ए है। हमने क्या करना है, इसका जो ये कर्ण है, विकर्ण है इसका, ये हमने मिला देना है सी और ए, इसको हमने यहाँ पे डॉटेड मिला देना है इस तरह से, क्योंकि ये समान नहीं है। जो हमने 40 वाला बनाया था वो बिल्कुल समान था, ये सजातीय मीन इसी के जाति का थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। फिर तो हमने क्या करना है, अब इसको हमने उस जो 40 नंबर हमने प्रश्न किया था वो हमने भुजाओं के आधार पे हमने इसको सही किया था, और ये जो होगा इसको हम बनाएंगे कोणों के आधार पे। सजातीय जो बनती है ये आपका बी है, इसका ये जो आपका कोण है ये 2 नंबर कोण है। यहाँ से पहले मैं चाप लगा लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से। ये जो आपका कोण है ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 3 आपका आ गया, 4 है ये, ये आपका एंगल नंबर 4 है। और यहाँ जो एंगल हमारा बन रहा है सी पे, ये है हमारा एंगल नंबर 3। यहाँ से हमने ये एंगल नंबर 3 है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो कोण बना देना है 2 पे, बी पे कोण नंबर 2 यहाँ से इस तरह से। और अब हम यहाँ से जो है वो जितना ही बड़ा हमारा है कोण, इतनी हम चाप लगा देंगे यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ से हम जो है वो प्रकार खोल के चाप लगा देंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं आगे लगा देता हूँ यहाँ से इस तरह से। और अब हमने इसको मिला देना है, हल्की लाइन से हम इसको पहले दर्शाएंगे, फिर हम जो है वो इतनी प्रकार खोल के खोल सकते हैं जितना हमारा ये 1 नंबर कोण है। अब हमने इतनी प्रकार खोलनी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट पर हमने यहाँ से चाप लगानी है इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, जितना हमारा कोण नंबर 1 है इतनी हम, ये देखिए इतनी प्रकार हमने खोलनी है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे काट देना है। और आगे हमने जो है वो डॉटेड लाइन यहाँ से लगानी है 1 नंबर से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस रेखा को हमने आगे बढ़ा देना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं जहां पे मिल रहा है वहां तक। अब हम इसको डार्क लाइन लगा सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि भुजाओं के आधार पर नहीं, एंगल के आधार पर हमारी ये आकृति बननी है। सजातीय जो विषम बाहु चतुर्भुज है वो इस तरह से बनेगी आपकी। ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 जो है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इतनी प्रकार खोलने जितना आपका एंगल नंबर 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ से इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे जो है वो चाप लगा देनी है इस तरह से। 3 नंबर एंगल जितना है इतनी प्रकार हम खोलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम जो है उसको ऐसे काट देंगे, और यहाँ से हम इस रेखा को मिला देंगे। यहाँ हम लिखेंगे एंगल नंबर 3। यहाँ से जो हम रेखा लगाएंगे वो हम पहले हल्की लाइन लगाएंगे, मैं डार्क लाइन नहीं लगाएंगे, बाद में हम इसको डार्क कर देंगे इस तरह से। और हमने क्या करना है, यहाँ पे जितना हमारा एंगल नंबर 4 है इतनी हम प्रकार खोलेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने चाप लगा रखी है, तो हमने इतनी प्रकार खोलनी जितना हमारा ये बड़ा है एंगल नंबर 4, ये इतना है हमारा, इतनी प्रकार हम यहाँ से खोल के चाप लगा देंगे। और अब हम इसको जो है वो मिलाएंगे ए के साथ इसको, और हमने इसको आगे बढ़ाना है इस रेखा को। जहाँ तक ये आगे बढ़े ये हम डार्क इसको कर देंगे, जहाँ ये मिल रही है ये पॉइंट आपका आ गया डी। अब आपने डी और सी को भी डार्क जो है वो मिला देना है, ये देख सकते हैं इस तरह से।
काटिए और जो आपकी फालतू रेखा है इसको हम यहाँ से मिटा देंगे इस तरह से। और ये जो आपका प्रश्न है वो बन गया, वो तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न नंबर है 41। इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो गया है। यदि आप चाहो तो जैसे आपने ये आपकी ए बी रेखा है, एक्चुअली में ये दी हुई रेखा थी, ये 7 सेंटीमीटर है। दी हुई रेखा हमारी अलग होती है, ये मैंने इसी पे बना दिया, तो हम मैं इसको बाद में अब जाके इसको जो है ये आप देख सकते हो, ये दी हुई चीज़ें थी एक्चुअल में। ये ए और बी रेखा दी हुई थी हमारे पास, और एक हमारे पास आकृति दी हुई थी, तो इसी के अनुसार जो है हमने वो दूसरी आकृति बना के तैयार कर दी है। ये आपका प्रश्न नंबर 41 बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 42, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। दिए हुए विषम पंचभुज ए बी सी डी ई के सजातीय पंचभुज बनाओ जिसकी भुजा ए पी के समान दी हो। तो हमने सबसे पहले जो है पंचभुज बनाना है, और एक रेखा लेनी है ए पी। तो मैं एक रेखा ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारी रेखा है ए पी, ए और पी। पी इस तरह से, तो हमें एक पंचभुज दिया हुआ है, तो हम पंचभुज बना लेते हैं पहले। जो दिया हुआ पंचभुज है इस तरह से, अब ये विषम पंचभुज है तो भुजाएं छोटी बड़ी इसकी हो सकती है। आप देख सकते इस तरह से हमने पंचभुज बना लिया है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। और हमने क्या करना है, जो इसके कोण है वो हमने ए के साथ यहाँ पे जो है वो इसके विकर्ण हम इसको कहेंगे, इनको हम मिला देंगे इस तरह से। ये और एक विकर्ण इसमें और है, ये है, तो इसको भी हम ए के साथ मिला देंगे यहां से। ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक भुजा दी हुई है ए पी, तो हमने ए पी के बराबर प्रकार खोलनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अब हमने ए पॉइंट पर प्रकार रखने हैं और ए बी को जो है वो ए पी के बराबर यहाँ से काट देना है। तो ये हमारा जो पॉइंट आ गया है इसका नाम है पी। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने उत्तर बनाना है उसकी एक भुजा आ गई है ए पी, ये आप देख सकते हैं। अब हमने जो ये सी और बी रेखा हमारी है इसके समानांतर हमने रेखा खींचनी है पी से। ये आप देख सकते हैं ये डार्क आ जाएगी हमारी, और जहाँ पे ये इस बीकन के साथ कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया है एन। अब आपने क्या करना है, सी और डी जो आपकी भुजा है इसके समानांतर आपने भुजा लेनी है एन से, इसको भी डार्क कर दो यहाँ पे इस तरह से, और ये पॉइंट आपका आ गया एल। अब आपने क्या करना है, ई और डी जो आपकी रेखा है इसके समानांतर आपने रेखा खींचनी है एल से यहाँ से, और ये भी आपकी डार्क लाइन आई है। ये जो लाइन आ रही है यहाँ जहाँ पे कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया एच, और ए और एच को भी आपने डार्क मिला देना। इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न नंबर है 42। ये आपका 7th क्लास का अब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग सारा सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। अब आप घर में बैठ करके आराम से इसको देख, वीडियो देख करके जो है वो इसकी प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं।